सो गाइस सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए, ये मेरे पूरे चैनल का एनालिटिक्स खुला हुआ है और यहाँ पर यूट्यूब ने मेरे को बताया है कि आपके जो 175% व्यूअर्स हैं वो आपके यूट्यूब रिकमेंडेशन से आ रहे हैं और जो 1757% व्यूअर हैं वो आपके यूट्यूब सर्च रिजल्ट से आ रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पर अच्छे खासे व्यूज देखने को मिल रहे हैं बिकॉज मैं एक तरीके को फॉलो करता हूँ, अपने वीडियो को इस तरीके से रेडी करता हूँ कि वो रैंक 100% करेगी ही। वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अपनी सीक्रेट सेटिंग जो मैं करता हूँ उससे आपके व्यूज डेफिनेटली बढ़ेंगे और आपके व्यूज ना आने की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको एंड तक देखनी है, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम लोग 1000 लाइक, तो वो भी आप लोग कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला स्टेप ये है, आप जब भी वीडियो को अपलोड करते हो आप लोग यहाँ पर पब्लिक कर देते हो डायरेक्ट वीडियो को। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सबसे पहला स्टेप आपका ये है, आपको वीडियो यहाँ पर अनलिस्ट करके हमेशा अपलोड करनी है बिकॉज एल्गोरिथम को भी भाई पता लगना चाहिए ना आपकी वीडियो किस टॉपिक पर डाली जा रही है। आप लोग डायरेक्ट पब्लिक करोगे, कीवर्ड्स डालते नहीं हो, किस तरीके से डालते हो मुझे नहीं पता, तभी आप लोगों की वीडियो रैंक नहीं कर पाती है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको यहाँ पर अनलिस्ट करके अपनी वीडियो को अपलोड करना है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको ऑडियंस का, तो यहाँ पर आपको ऑलवेज नो करना है बिकॉज आपका जो कैटेगरी है वो 18+ है, ठीक है। आप लोगों का कंटेंट जो देखते हैं वो 18+ वाले देखते हैं, तो आपको यहां पर नो करना है। ये करने के बाद आपको सिंपली वीडियो को अपलोड कर देना है, देन आगे का प्रोसीजर जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे, ठीक है। वीडियो को जैसे ही आप अनलिस्टेड करके अपलोड कर लेते हो देन आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप लोग अनलिस्टेड में अपलोड करने के बाद यहां पर जब टाइटल डालते हो तो टाइटल तो सिंपली आपको यूट्यूब पर जाना है, वहां पर सर्च करना है अपना टाइटल, देन वहां पर अपना देखना है कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है वो आपको लेना है और टाइटल में डालना है, ठीक है। टाइटल भी भाई सर्च करके डाला करो तभी यूट्यूब सर्च में व्यूज आते हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने यहां पर टाइटल अपना डाल दिया, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। अब जो मेन काम करना होता है वो आपको करना होता है डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में। अब जो पार्ट शुरू हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं से आपका जो व्यूज आने का क्राइटेरिया है वही यहीं से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस देखते रहिए ध्यान से। तो गाइस अब बात आती है डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट, बिकॉज यही आपकी वीडियो को रैंक करवाएंगे और इसी से आपकी वीडियो जो है यूट्यूब सर्च में जाएगी। कैसे जाएगी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो गाइस यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहां पर अपने टाइटल को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मेरा टाइटल है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। अब भाई ध्यान से सुनते रहना तभी आप लोगों की वीडियो पर व्यूज आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद 100% अगर आप इस ट्रिक को यूज करोगे तो व्यूज डेफिनेटली बढ़ेंगे आप लोगों के। तो यहां पर आपने अपना टाइटल डाला, जो भी आपका टाइटल है इसी तरीके से आपको डालना है। देन यहां पर आने के बाद आपको तमाम सारी वीडियोस दिख जाएंगी। देखो पहले ही मैं बता दूं बड़े क्रिएटर को मत देखना, बड़े क्रिएटर का टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉपी करोगे तो भाई रैंक करने में बहुत ज्यादा आपको मुश्किल आ सकती है, ठीक है। आपको ऐसा क्रिएटर ढूंढना है जिसके रीसेंट में कम व्यूज आते हो और कोई वीडियो ऐसी हो जो उसकी रीसेंट में वायरल हुई हो नॉर्मल वीडियो से ज्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये यूट्यूबर है, ठीक है। इनके आप व्यूज देख सकते हो, नॉर्मल व्यूज इनके 700-800 ऑन एन एवरेज आते हैं, बट इनकी जो एक ये वाली वीडियो थी उस पर आप देख सकते हो इनके आए हैं व्यूज पूरे 10K। अब इनका आपको करना क्या है, इसी तरीके से आपको अपने टाइटल में सर्च करना है और ऐसे ही यूट्यूबर को ढूंढना है जिसके जो है रीसेंट में कम व्यूज आते हैं और कोई वीडियो उसकी वायरल हुई हो, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको कॉपी करना है, ठीक है। सेम टू सेम आपको डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है और जो इनके टैग्स हैं वो आप कॉपी कर सकते हो बिकॉज इनके जो टैग हैं यहाँ पर रैंक करवा रहे हैं, कुछ स्पेशल इन्होंने टैग्स डाले होंगे। बड़े क्रिएटर के कॉपी मत करना भाई, रैंक नहीं कर पाएगी। छोटे क्रिएटर के डिस्क्रिप्शन में जितने भी कीवर्ड्स हैं कॉपी करो, टैग वाले कॉपी करो और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टैग्स में डालो भाई। इतना करोगे ना तब की वीडियो रैंक करती है और इतना करने के बाद आप लोगों को एक और काम करना है गाइस। तो गाइस ये सारी चीजें आप डाल लोगे डिस्क्रिप्शन और टैग्स, उसके बाद आपको वीडियो अनलिस्टेड करके अपलोड कर देनी है। और हाँ एक बात याद रखना गाइस, अनलिस्टेड करने के बाद सब चीज डालने के बाद आप लोगों को वीडियो एकदम पब्लिक नहीं करनी है, कम से कम आप 1 घंटे का वेट करना, 1 घंटा जब पूरा हो जाए उसके बाद आपको पब्लिक करनी। तो गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से इस ट्रिक को फॉलो करो, डेफिनेटली आप लोगों के व्यूज बढ़ेंगे। थैंक यू।